नमस्कार किसान भाइयों, आज 5 नवंबर 2018 है और मेरे साथ कुछ मेरे मेहमान हैं। मिस्टर वर्मा जो सीतापुर से आए हुए हैं, अजीत जी जो मेरे ही ज़िले सहारनपुर से हैं और ये अभी पौध देखने के लिए आए हैं। मैं आपको एक छोटा सा परिचय इन लोगों से कराऊंगा और आपको मैं अपनी जो पौध है वो भी दिखवाऊंगा कि हमारी जो पौध हमने कुछ समय पहले पोस्ट की थी आपको फूलों के साथ में, उसमें से फूल से फल में कितना कन्वर्जन हुआ है। तो एक छोटा सा परिचय वर्मा जी का, अजीत जी का, फिर आपका जो है पौधों की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिलवाया जाएगा। हम एक कमर्शियल वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं नींबू की, जो पूरे भारतवर्ष में हम अभी सौभाग्यवश दे पा रहे हैं। पूरे विश्व के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत के लोग देश में या विदेश में रह रहे हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरे भारतवर्ष में हमने पिछले कुछ माह में लाखों पौधे किसानों के यहाँ लगवाए हैं और उनसे हमें बड़ा अच्छा सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है। आदमी धन के लिए तो काम करता है, लेकिन मान सम्मान अगर उसके साथ मिल जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है कि हम जिस वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं वो वैरायटी रेयरेस्ट वैरायटी है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं है। काफ़ी मुश्किल से उस वैरायटी को तैयार किया जाता है और अभी सौभाग्यवश मिस्टर वर्मा सीतापुर से हमारे पास आए हुए हैं। एक वर्ष से लगभग हमारे टच में थे, लेकिन हम उन्हें कम पौधे नहीं भेज पाए थे। हम क्योंकि कोरियर से पौधे नहीं भेजते हैं, हमारा पौधा बड़ा है, हम किसी भी कार्टून वगैरह में पौधे नहीं भेजते हैं। हज़ारों किसानों को हमें मने करना होता है, उसके लिए हमें बड़ा दुख भी होता है। तो सिर्फ हम थोड़ी अच्छी क्वांटिटी जो छोटे हाथी में, पिकअप में या बड़े ट्रक में जा पाएँ उन्हीं पर काम कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं परिचय कराऊँगा अभी वर्मा जी का, ये अपना व्यक्तिगत परिचय भी देंगे और इन्हें कैसा अनुभव हो रहा है हमारी इस छोटी सी नर्सरी के अंदर आके, ये भी ये बताएंगे, फिर अजीत जी से बात होगी। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार चौहान साहब और नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका इस हीरो ऑर्गेनिक यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं एक साल पहले जब चौहान साहब से जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा कोई एक उत्पादन हो रहा है जिसको लगाने से किसान भाइयों को काफ़ी मात्रा में लाभ होगा। तो मैं एक साल से जुड़ा हुआ, लेकिन इन्होंने पौधे भेजने में थोड़ी असमर्थता जाहिर की, तो सौभाग्य मुझे कल मिल पाया। कल मैं आपकी नर्सरी में आया और नर्सरी में पौधे जब सामने देखे, अभी तो मैंने यूट्यूब पर देखा था, इनके पंपलेट में देखा था, लेकिन कल जब पौधे में देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वास्तव में किसान भाई अगर हम अपनी खेती में 10% या 5% ही खेती पर इसको पौधे को लगाएं तो निश्चित रूप से उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है, ये मेरा निश्चित रूप से कहना है। और इसीलिए मैं कुछ पौधे आज लिए जा रहा हूं, दिसंबर में इनसे 1 एकड़ के लिए पौधे मैं फिर मंगाऊंगा और तब इसको मैं व्यापक स्तर पर काम करूंगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ गन्ना लगा हुआ है, फैक्ट्री चलेगी तो गन्ना खत्म होगा, उसके बाद मैं इस पौध का रोपण करूंगा। इनकी पौध जो है 12 मास कभी भी लगाई जा सकती है, इसमें ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सितंबर में लगाइए, दिसंबर में लगाइए, कभी लगाइए, बस पानी का थोड़ा समुचित साधन रहे। दूसरा क्या है, इस फसल में सबसे लाभ जो दिख रहा है मुझे कि एक बार लगाने के बाद फिर आपको इसमें कोई बड़ा मेहनत नहीं करनी है और आपको इनकम जो है वो हमेशा मिलती बढ़ती जाएगी और कई गुने बढ़ती जाएगी। ये नहीं कि उतनी ही इनकम आपको हर साल मिलेगी। हम सभी जानते हैं गन्ना गेहूँ धान से हमको जितनी इनकम इस वर्ष मिलती है उससे कुछ ही कम ज़्यादा जो है अगले साल मिल पाती है, लेकिन इसमें कई गुना बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसमें किसी भी जानवर का प्रकोप नहीं है, नींबू स्वयं में अपनी एक औषधि है, इसलिए कहीं पर कोई बहुत कीटाणुओं का भी प्रकोप नहीं होता है इसमें, और ये बहुत अच्छी फसल है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा लगाएँ और अपना लाभ दुगुना तिगुना चौगुना करें। इससे पहले भी नींबू की खेती करने का प्रयास किया आपने, क्या अनुभव रहा? इसके पहले मैंने जो अपने उद्यान विभाग से नींबू लिए थे, 100 पेड़ लगाए थे, तो उन्होंने कहा तो था ये कागजी नींबू का ही है पौध है, लेकिन वो हमें लगा नहीं है, बल्कि उसमें इल्ड भी हमको नहीं अभी मिली है, 1.5 साल हो गया है लगाए हुए। तो और इसमें मैंने इनके यहाँ जब देखा कि 1 साल का पौधा जो लगा हुआ है मेरे सामने है, आपने भी अभी देखेंगे भी यूट्यूब पर, तो उसमें क्या है फूल के साथ फल भी आ रहा है, छोटे छोटे फल आए हैं और गुच्छे में आए हैं। सबसे बड़ी चीज जो है, जो इनका नींबू ये है प्रजाति है, ये गुच्छे में आ रही है, कमर्शियल वैरायटी है, इसलिए किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी फसल है ये। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि मैंने पिछले जो लगाया था उसमें उतना हमको फल भी नहीं दिखा, उतना वो भी नहीं लगा है, इसलिए इस
नींबू के पेड़ को मैं चाहूँगा हर किसान भाई थोड़ा लगाए, भले 10 पेड़ों से शुरू करे अपना, और उसको फिर अपना अनुभव के आधार पर लार्ज स्केल पर ले जाए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। आपका व्यक्तिगत परिचय भी किसान भाइयों को आप दीजिए थोड़ा। मैं अजय वर्मा, सीतापुर जिला, और सीतापुर से जो लखीमपुर बिलाया मार्ग गया है उस पर 25 किलोमीटर वाला हर गांव है, वहां पर गन्ना शुगर फैक्ट्री है, उसी के बगल में मेरा गांव है। मेरे यहाँ तो 100% गन्ने की खेती होती है, लेकिन मैंने पहले 2 साल पहले केले की खेती शुरू की थी, उसमें कोई लाभ नहीं मिला, मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा। उसके बाद अभी मैंने मखाने का थोड़ा प्रारंभ किया वहाँ पर, लेकिन उसमें भी काफ़ी पानी की मात्रा लगती है, लेकिन नींबू की जो है फसल उसमें आपको कुछ नहीं लगने वाला। दूसरा, मेरा एक राजनीतिक दल है भारतीय जन क्रांति दल, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि कम समय मेरा खेती में लगे और मुझे पैदावार उतनी ही मिलती रहे, उससे ज़्यादा मिलती रहे, इसलिए मैं इस फसल पर आया हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है देखकर चौहान साहब के इसमें फार्म में, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसी फसल किसानों को दी जाए। अगर तो पहले थोड़ा मेहनत जरूर, पैसा जरूर लगेगा, लेकिन उसका लाभ में बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो मैं फिर चाहूँगा आप सबसे निवेदन। धन्यवाद वर्मा जी। अब हम अजीत जी से बात करेंगे। अजीत जी सहारनपुर से हैं। अजीत जी अपना परिचय दीजिए, क्या अनुभव हुआ आपको यहाँ देख के, क्योंकि एक नई सी चीज़ आप देख रहे हैं, वर्मा जी के साथ आए हैं और आपको पता भी नहीं था कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और हम इस तरह का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है, क्या मैसेज आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे? मैसेज ये है मेरी तरफ से कि कम लागत में बढ़िया खेती, गेहूँ धान गन्ना तो हम सब कर ही रहे और लाभ सबके सामने है, और मैं तो यही चाहूँगा कि सब भाई इस काम को करें, नींबू लगाने का काम करें, थोड़ा लगाएं शुरू में और अच्छा लाभ पाएं। आप अपना व्यक्तिगत परिचय भी किसान भाइयों को दीजिए। मैं अजीत राणा, गांव पुआर का, जनता रोड से, जिला पंचायत सदस्य फिलहाल। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं इस काम को अब करूँगा भाई साहब से बात करके, और गन्ने के बाद, कटाई के बाद मैं भी इसको लगाऊंगा। जी जी, धन्यवाद अजीत जी। तो अभी मैंने आपका परिचय कराया अपने दो गेस्टों से, आज मेरे यहाँ पे सौभाग्यवश इनका आना हुआ है। और अभी मैंने कुछ समय पहले पोस्ट डाली थी, एक छोटी सी पोस्ट थी जिसके अंदर काफ़ी नींबू के पौधों पे फूल आया हुआ था, तो मैं पुनः आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नींबू थे हमारे, ये फूल से फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, छोटे छोटे नींबू आप देख सकते हैं आ गए हैं, और फूल भी आ रहा है आप देख सकते हैं। और कोई नहीं, ये देख सकते हैं फूल में कन्वर्ट हो चुका है, आप फूलों की मात्रा देख सकते हैं इन पौधों पर, कितनी भारी मात्रा में फूल आया हुआ है, क्योंकि कमर्शियल वैरायटी है मित्रों। कमर्शियल वैरायटी बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होती है, हर कोई व्यक्ति कमर्शियल वैरायटी की वैल्यू नहीं समझता है, जो लोग समझते हैं वो हीरो ऑर्गेनिक से पौधे लेके जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हर कोई खर्च कर रहा है, पैसे से ज़्यादा वैल्यू है कि पैसा खर्च करके आप पा क्या रहे हैं। कभी कभी सस्ती चीज़ बड़ी महंगी पड़ जाती है, और जो महंगी चीज़ होती है वो सस्ती हो जाती है। अभी देखिए नींबू भी है और ये सभी पौधों पे फूल भी है, और ये देखिए फूल, ये है फूल आने लग रहा है अभी धीरे धीरे, और फूल से फल में ये कन्वर्जन होने लग रहा है। आप ये देखिए, ये गुच्छे में है, 8 नींबू हैं इस गुच्छे में, और ये दूसरी ब्रांच है, इसमें कितना नींबू आ चुका है, फूल भी है और फल भी है, आप देख सकते हैं किसान भाइयों। छोटे छोटे पौधे हैं ये, पौधे आप ही को बेचने के लिए उपलब्ध हैं, इस पे आप फूलों की मात्रा और फल की मात्रा देख सकते हैं। अभी छोटे फल हैं, सिर्फ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन छोटे छोटे पौधों पे सैकड़ों फल बन चुके हैं, जब आप आएंगे तो ये पौधे आपके लिए उपलब्ध हैं। आप ये देख सकते हैं छोटे 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 सैकड़ों फल एक एक पौधे के ऊपर, ये मात्र पौधा है। ये देखिए नींबू, ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए नींबू के पूरी रो। तो ये पौधा ऐसा है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में 2 से 3 हज़ार नींबू प्रतिवर्ष देता है, 1 रुपये का एक नींबू भी बिकेगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये आप एक पौधे से कमा पाएंगे। और अगर आप 1,000 पौधे लगा लेते हैं, लगभग 2 एकड़ में 1,000 पौधा लगता है, तो
तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं।